Students, today we will learn comparing numbers. See, here this is the hungry croco's mouth. Croco, the crocodile, he is very hungry. He want to eat the fishes. Okay, so this is his mouth. This is the closed side and this is the open side. Closed, open. Now, as you know that crocodile is very hungry, so he will open mouth only for greater number of fishes. So this side is closed and this is open, so this is less than sign. Okay, why? Because see, here the fishes are 10 and here the fishes are 15. So 10 is greater than 15 or less than 15? Tell me. 10 is less than, छोटा है ना 15 से, तो वो 10 fishes खाएगा या 15 fishes खाएगा? 15 fish, इसीलिए वो अपना mouth open करेगा किसके लिए? 15 fish को खाने के लिए. और ये less than, less number है, so this is the less than sign. Now this is greater than sign. Okay, here are 20 fishes and here are 12 fishes, so कौन सी फिशेस खाएगा? 20 या फिर 12? किसके लिए अपना माउथ वो ओपन करेगा? ओके, ये ऐसा साइन है, ये माउथ ओपन, ये माउथ क्लोज. किसके लिए ओपन करेगा? बड़े नंबर के लिए. तो 20 ज़्यादा बड़ा है या 12 ज़्यादा बड़ा है? 20, वेरी गुड. ओके, नाउ दिस इज़ द इक्वल टू साइन. ओके, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, इक्वल टू है. वो किसके लिए लगता है? यहाँ भी 15 फिश है और इसमें भी 15 फिश है, तो वो इन दोनों में से कोई भी फिश को खा सकता है. ओके, या तो इस टैंक की फिश खाएगा या फिर उस टैंक की, तो दोनों में ही 15 है, इसीलिए उसका माउथ इक्वली ओपन है. तो दिस इज़ द इक्वल टू साइन. रिमेंबर दिस पॉइंट दैट हंग्री क्रोको ओपन माउथ पॉइंट्स ग्रेटर नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे भी हंग्री क्रोको का माउथ ओपन होगा. दिस इज़ माउथ ओपन. ओके, ओपन है माउथ, तो वो ग्रेटर नंबर होगा. ओके, सो हम साइन उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे. अब हमें थ्री डिजिट के नंबर को कैसे पहचाने कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है? क्योंकि जब भी हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं, वी यूज़ दीज थ्री साइन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. If the number is greater, then the mouth will be open to the greater side. So let us see which number is greater over here. So what we will do? We all know the place value. See, we will write HTO 100 tens ones, HTO 100 tens one. And now for comparing the numbers, we see the first place. Okay, see. फर्स्ट प्लेस देखो, फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है. अब 2 बड़ा नंबर होता है या 3 बड़ा नंबर होता है? कौन सा बड़ा नंबर होता है? 3. तो क्रोकोडाइल किसकी तरफ माउथ ओपन करेगा? 3 की तरफ माउथ ओपन करेगा. ओके, सो दिस नंबर 300, दिस इज़ 200, दिस इज़ 300. तो 391 फिशेस ज़्यादा होंगी. हमें सिर्फ फर्स्ट नंबर देखना है. यहाँ पे सारी डिजिट्स अलग अलग हैं, इसीलिए हम फर्स्ट नंबर देखेंगे. तो 391 विल बी ग्रेटर, तो कौन सा साइन आएगा? ये वाला. ओके, माउथ ओपन साइड किसकी तरफ होगी? 391 फिशेस की तरफ. अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. Now here are some question. Let us see how to compare the number. So for comparing the numbers, सबसे पहला rule है that we look at the 100 place, digit at 100 place. If see here it is 3 and here also 3. If the digits at 100 place are equal, then we look at the digit of the next place, that is 10s. Okay, 3 3, इसमें भी 300 है, इसमें भी 300 है, तो हम नेक्स्ट प्लेस देखेंगे. इसमें 2 टेंस है, इसमें 5 टेंस है. सो टेल मी, 2 बड़ा होगा या 5 बड़ा होगा? 5 बड़ा होगा, तो माउथ किसकी तरफ ओपन होगा? 5 की तरफ. तो यहाँ पे 324 बड़ा होगा या 353 बड़ा होगा? क्योंकि इसमें 5 बड़ा है, इसीलिए ये नंबर B
bigger hoga, okay? So greater than sign mouth will open towards the greater number. Is it clear? Now look at over here. Here also it is at 100 place there is 200, and here also at 100 place there is 2. Both are equal, so we will move to the next one. Now here it is 5, here also it is 5, both are equal. So what we will do, we will move to the next number digit. Now here the digit is 8 and here the digit is 6. Now let us see, 8 bada hai ya 6 bada hai? 8 bada hai, to mouth kiski taraf open hoga? 8 ki taraf, aur 6 ki taraf close hoga. तो अगर इस नंबर का 8 बड़ा है तो ये नंबर ग्रेटर होगा या ये पूरा नंबर ग्रेटर होगा? ये वाला नंबर ग्रेटर होगा, 258. और 256 तो 258 से पहले आता है, तो 256 छोटा हुआ, 258 बड़ा हुआ. सो हम यहाँ पे ऐसा साइन लगाएंगे, माउथ ओपन मतलब किसकी तरफ? ग्रेटर नंबर की तरफ. Now, ये question is, this one is for homework. You will do on your own. Now, see this. This is 900 and this is 701. As I told earlier, सबसे पहले compare करते हैं, तो first digit को compare करते हैं, 9 और 7. Which digit is greater? 9 or 7? 9 is greater. So, 900 will be greater than 701. आपको सभी चीज़ें नहीं देखने की ज़रूरत है. अगर दो डिजिट डिफरेंट हैं तो दोनों डिजिट में देख लो कि कौन सी डिजिट बड़ी है, और जो डिजिट बड़ी हो गई तो उसी की तरफ आपको माउथ ओपन करना है, क्रोको द क्रोकोडाइल का. ओके, सो 900 इज़ ग्रेटर. नाउ लुक ओवर हियर, दिस इज 089. इज़ इट अ थ्री डिजिट नंबर? नो, क्योंकि ज़ीरो टेंस के पहले है और इस ज़ीरो का कोई सेंस नहीं होता. हमने जब थ्री डिजिट नंबर पढ़े थे तब पढ़ा था ना. सो दिस नंबर इज़ ओनली 89, देयर इज़ नो 100. ओके, सो 89 बड़ा होगा या 809? हमेशा टू डिजिट नंबर से थ्री डिजिट नंबर बड़ा होता है. इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट क्या है? ज़्यादा है, और इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कम है. तो ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ. सो दिस नंबर इज़ ग्रेटर, सो माउथ विल ओपन टू दिस, टूअर्ड्स दिस नंबर. इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यू हैव टू डू दिस वन. नाउ फॉर इक्वल टू, हेयर आई हैव 123, हेयर ऑल्सो आई हैव 123. नाउ लुक ओवर द नंबर्स, बोथ आर ग्रेटर और लेस और इक्वल. The both the numbers have same number of digits, so both the numbers are equal. So this is the equal to sign. I hope everything is clear now.